अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी ऑयली स्किन है, जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं या जिनकी स्वेयर एक्नी है। तो आज मैं जो रेमेडी बताने जा रही हूँ ये आपकी एक्नी को 100% ख़त्म कर देगी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑयली स्किन में बहुत ज़्यादा, हम लोगों को पता है ऑयल निकलता है स्किन से, तो उसकी वजह से स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से अक्सर लड़कियाँ या लड़के दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो अब इस ज़रूरी नहीं है कि एक्नी की, पिंपल्स की सारी रेमेडीज़ फेस पर लगाने के लिए हों। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें ऑयली स्किन वाले जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं या एक्नी होती है, उनको चाहिए कि वो क्या करें, वो कुछ चीज़ें ऐसी खाएं भी जिससे उनका ब्लड जो है वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, ताकि उनके फेस पे पिंपल्स कम निकलें। तो चलिए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो इसके लिए हम लोगों को एक फेस पैक बना के रखना होगा और रोज़ उसको अपने फेस पे लगाना होगा। अब उसको लगाने से पहले कुछ, ये जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये है नीम के पत्ते, मेरे पास नीम के पत्ते थे, ड्राई नीम के पत्ते थे, उनको क्या किया, ग्राइंड कर दिया। ये मेरे पास नीम के पत्ते थे, उनको ग्राइंड किया हुआ है। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से या किसी भी स्टोर से, जनरल स्टोर से, आपको कहीं से भी ये नीम के पत्ते आसानी से मिल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस नीम के ये जो पाउडर है, नीम के पत्तों का पाउडर, जब सुबह आप उठेंगे तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आपने नीम गर्म पानी के साथ बिल्कुल नीम का जो पाउडर होगा उसको बिल्कुल, मतलब आप लोग कहें कि वो जो टीस्पून होती है, ये टीस्पून है ना, वो जो हाफ, मतलब 1/4 आपने क्या लेना है, टीस्पून ये नीम के पाउडर लेना है नीम गर्म पानी के साथ। इससे क्या होगा, इससे लेने का फ़ायदा ये होगा कि आपका ब्लड क्लीन हो जाएगा और आपके स्किन पे, आपके फेस पे एक्नी या पिंपल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारा ब्लड क्लीन होगा तो उससे हमारी फेस पे पिंपल्स कम निकलेंगे। इनको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने फेस पैक बनाना कैसे है, इसके लिए, इस रेमेडी के लिए जो पिंपल्स के लिए है और स्वेयर एक्नी के लिए है, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लेना है 4 टेबल स्पून ये नीम का पाउडर लेना है और 4 टेबल स्पून, जितना हम लोग नीम का पाउडर लेंगे उतने ही हम लोग बेसन लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ने 4 टेबल स्पून नीम का पाउडर लिया है तो 4 टेबल स्पून हम लोग लेंगे बेसन लेंगे। अब इसमें जो तीसरी चीज़ मिक्स करनी है वो है हमारे पास टर्मेरिक पाउडर। टर्मेरिक पाउडर आप लोग कह सकते हैं हल्दी, जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं ना, ये जो हल्दी होती है, जो ओरिजिनल हल्दी होती है, एक तो हम लोग सालन में डालते हैं, एक वो जो बूटी मिलती है हमारे पंसार स्टोर से, उसको हम लोग लेंगे बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में लेंगे। इनके साथ नीम पाउडर, बेसन और तीसरी चीज़ जो हमारी एक्नी के लिए है वो है 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर, मतलब ये है कि 1/4 हम लोग लेंगे हल्दी का। आइए हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को मिक्स करते हैं। अब ये हम लोग उन सबको अच्छे तरीके से, उन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है और इसको आप लोग किसी भी बॉटल में क्या कर दें, इन सबको स्टोर कर दें। अच्छा जी, अब हम लोग ने क्या करना है, रोज़ हम लोग ने अब इसको बॉटल में स्टोर कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, रोज़ 1/2 टीस्पून हम लोग ये लेंगे, ठीक है, ऐसे, और उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, रोज़ वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, रोज़ वाटर के फ्यू ड्रॉप्स हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ये हम लोगों ने ऐड कर दिया, अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छा सा, ये एक गाढ़ा सा फेस पैक बन गया है और हम लोगों ने क्या करना है, अब इसको अपनी स्किन पर लगाना है। अब एक बात और,
वो लोग जिनके स्किन पे सिर्फ पिंपल्स निकलते हैं और थोड़े बहुत निशान रह जाते हैं, वो लोग इसमें इस फेस पैक में हम लोग वो लोग इस फेस पैक में रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी एक्नी है या बहुत ज़्यादा स्किन रेड हो जाती है, रेडनेस हो जाती है उनकी स्किन पे, तो वो रोज़ वाटर की जगह सिंपल वाटर ऐड करके अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। और इसको अपने फेस पे उस टाइम तक लगे रहने देना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। और जब आप लोग इसे मुसलसल 2 या 3 वीक्स यूज़ करेंगे और साथ साथ आप लोग सुबह निहार मुँह आप लोग नीम पाउडर भी ले रहे हैं, तो आपको फ़र्क वाजे नज़र आएगा। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है कि आप लोग मुझे दुआ देंगे। और प्लीज़ अगर मेरी ये रेमेडी आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।